खबर रायगढ़ से, जहां किरोड़ी मल नगर में पुलिस ने मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया है। बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका मामा ही निकला। थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि 10 जुलाई को कृष्णापुर निवासी दुकालुदास महंत की 7 साल की बेटी खुशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के पिता को अपनी बेटी की हत्या का संदेह था। मामले की जब सघन जांच की गई तो आरोपी बच्ची का मामा विशाल दास महंत निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को गुटखा लेने दुकान भेजा था, लेकिन थोड़ी देर हो जाने पर आरोपी ने बच्ची को धक्का दे दिया जिससे बच्ची दीवार से टकराकर घायल हो गई। इतना ही नहीं, उसने बच्ची के मुंह और सिर में मुक्का भी मारा जिससे नाक और सिर की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई है। उसी मात्र 7 वर्ष से वो जब लॉकडाउन के पहले हम काम करने जा रहा था अपनी बच्ची को अपने ससुराल में अपनी सास रेखा भाई और शाला है विशाल दास कुमार इसके पास छोड़ कर के गया था। इसी महीने की 9 तारीख को विशाल दास कुमार से वापस आया और बच्चे को गुटका लाने के लिए बुलाया तो बच्ची गुटका नहीं ला पाई थी। इसी में गुस्सा करके उसी मात्र विशाल दास कुमार जो है वो दीवार में धक्का देकर के बात तो छुपाया था। मुझे उसे बताया था कि वो बर्तन लेने गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, वो फिसल गई थी और उससे सिर में चोट आया था, इसलिए उसको मृत्यु हुई। लेकिन जब खुशी के पिता कालूदास मान इस बात का और तस्दीक किए तो उस पर जानकारी प्राप्त हुई कि खुशी मान को विशाल दास पटक के मारा है। इस पर वो थाने में आवेदन किया हुआ था, उसके आवेदन को स्वीकार करते हुए सौ उत्खनन के लिए लड़की कुछ मान 7 वर्ष से वो जब लॉकडाउन के पहले हम काम करने जा रहा था अपनी बच्ची को